क्या खूब कहा, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो, खुद की कामयाबी में इतना वक्त लगा दो कि लोगों को बुराई करने का समय ही न मिले। नमस्कार मित्रों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल DMR राशिफल में। मित्रों आज हम बात करने जा रहे हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों का 3 अगस्त दिन कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और तुला राशि वाले लोगों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम बताएंगे तुला राशि वाले लोगों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मित्रों आज हम इस वीडियो में हम आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। मित्रों आपकी भी तुला राशि है तो वीडियो को पूरा देखें। मित्रों आज का दिन मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है, बजरंगबली महाराज की पूजा अर्चना करें। मित्रों और कमेंट में जय बजरंगबली महाराज लिखें, बजरंगबली महाराज आप सभी की सभी मनोकामना पूरी करेंगे। मित्रों वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मित्रों अब बात करते हैं आज की चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। आज आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आलसी व्यक्ति की सफलता में बहुत बड़ी बाधा आती है। आलस के चलते व्यक्ति को अपने कार्यों में समय से पूर्ण नहीं कर पाता, जिस कारण उसे जॉब और करियरों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति को आलस का त्याग करना चाहिए। चाणक्य जी की माने तो व्यक्ति को अनुशासित जीवन शैली अपनाना चाहिए, इससे आलस को दूर करने में मदद मिलती है। चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति को हर दिन एक कार्य बनाकर योजना करना चाहिए, ऐसा करने से सभी कार्य को समय से पूर्ण करने में मदद मिलती है और अपनी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। चाणक्य जी के अनुसार जो लोग अपने कार्यों को योजना बनाकर प्रारंभ करते हैं उन्हें सफलता निश्चित मिलने की संभावना रहती है और जीवन में धैर्य बनाए रखें। चाणक्य जी के अनुसार व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में धैर्य नहीं खोना चाहिए, क्योंकि जैसे जॉब और करियरों में कभी भी मन मुताबिक परिणाम नहीं आते, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति को धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए और गलतियों को पता लगाकर उन्हें पूरी मेहनत व लक्ष्य के प्राप्त करना चाहिए। जो लोग जरा सी असफलता मिलने पर धैर्य खो देते हैं वे सफलता से विचित रह जाते हैं। मित्रों यही था आज की चाणक्य नीति का ज्ञान। पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें। अब बात करते हैं आज के पाँच अंग के बारे में। पाँच अंग 3 अगस्त दिन चल रहा है, मंगलवार तिथि चल रही है, दशमी नक्षत्र चल रहा है, रोहिणी ऋतु चल रहा है, वर्षा पक्ष चल रहा है, कृष्ण पक्ष। आज सूर्योदय होगा 6:18 पर और सूर्यास्त होगा 6:40 पर। आज का शुभ समय 8:32 से 9:48 तक। आज का अशुभ समय 12:42 से 2:19 तक। आज तुला राशि वाले लोगों की भाग्यशाली संख्या 5 है और भाग्यशाली दिशा दक्षिण है और भाग्यशाली रंग मेहरून है। मित्रों अब बात करते हैं आज के संपूर्ण राशिफल के बारे में। राशि आप उन कार्यों को पूरा करेंगे जिन्हें कुछ तरंगों के बाद आसानी से पूर्ण करने की आवश्यकता रहेगी। बच्चों की भावनाओं के बारे में विचार करने के जानने के अवसर उत्पन्न होंगे और आप अपने दूसरे को शांति संत नियंत्रण प्रगति करेंगे। आपको कम समय में विचारों के साथ प्रशंसा करनी होगी और आज अपनों को किसी बड़ी चिंता से मुक्ति मिलेगी, जिसके कारण आप मानसिक शांति का अनुभव करेंगे और कार्य क्षेत्रों में आज का दिन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपनी वाणी में कठोरता न आने दें और पारिवारिक सदस्यों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। सोच समझ कर खर्च आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होने का दिन रहेगा और जिसी कारण आपको शुरू करने से पहले एक बार वरिष्ठ या जानकार की राय ले सकते हैं। सायकाल से रात्रकाल तक छोटे छोटे आर्थिक कष्ट महान संभावना होगी और स्वास्थ्य को अति उत्तम से विश्वास होगा। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्रों में जुड़े जातकों को मान सम्मान की हानि की आशंका होगी। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें और छात्राओं की अपनी एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। कठिनाई होगी, ससुराल पक्ष से आपको कुछ लाभ मिलने की संभावना रहेगी और जीवन साथी के साथ संबंध बढ़ता होगी। माता पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों से संबंध में सुधार होगा। पारिवारिक के दिए गए अनावश्यक व्यय आपको व्यवस्थित करेंगे। किसी परिचित की संबंधित कुछ अप्रिय समाचार व्यवस्थित करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए समय अनुकूल विशेष सहायक रहेगा और व्यापार की धन की प्राप्ति होगी। विलंब होगा, आर्थिक स्थिति से तनावग्रस्त रहेंगे और आय व्यय में संतुलता बना के कठिन होगा। धन से अपव्यय से बचें। किसी व्यापारिक की सहभोगी की वजह से आपको हानि की आशंका होगी और स्वास्थ्य दुर्घटना चोट लगने की संभावना होगी और सावधानी से बरत। सूर्य राशि आपकी लगन प्रभाव होगा और प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा और दौरान आपको कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा। दूसरों की खुशी की कोशिश करेंगे।
कार्य क्षेत्र में बड़ी मेहनत सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्रों में बड़ी मेहनत आपको प्रशंसा रहेगी। क्षमताओं को विश्वास होगा। गोचर काल में परिभाषित नकारात्मक अशंकारी विचार होंगे और आज का दिन भविष्य के लिए कुछ अच्छा सोचने को लेकर सकारात्मकता बरतेंगे। नकारात्मक व अशंकारी विचार मन में आते रहेंगे। बिजनेस से जुड़े लोगों को धन की प्राप्ति होगी और प्रशंसा में प्रतिष्ठा लाभ मिलेगा। अगर कहीं पैसा फंसा है तो मिलने की संभावना रहेगी और स्वास्थ्य को लेकर लोगों को कफ की समस्या होगी। उन्हें ठंडी चीज़ों के सेवन से बचने की जरूरत है। साथ ही ध्यान दें, बेवजह किसी पर क्रोध न करें। संतान की प्रगति को लेकर शुभ सूचना मिल सकती है और कुल संबंधों से मिली अच्छी खबर मिलने की संभावना रहेगी। कार्य क्षेत्र में नए विकल्प के बारे में विचार करेंगे। व्यापार में वृद्धि होगी, मनोबल बढ़ेगा, शत्रुओं को हानि होगी और छात्राओं की प्रतियोगिता में विजय प्राप्त होगी। यात्राओं में लाभ होगा। पारिवारिक से आज जिस तरह का सहयोग चाहिए उस तरह की सहयोग की उम्मीद होगी और इस दिन अतः सूर्यदेव आपकी राशि में प्रवेश होने जा रहे हैं। जबकि आपकी राशि चल बुध ग्रस्त स्थितियों में ऐसी स्थिति आपकी उल्टी सीधी कुछ काम करेगी। ऐसे में मन छोड़े नियंत्रण रखने का प्रयास करें और सगे संबंधित से आपके संबंध कुछ मधुर होंगे। ढीले पड़े रिश्तों में कुछ प्यार स्नेह मजबूती आएगी और कार्य क्षेत्रों में अधिकारियों का सहयोग प्रतिष्ठा मान सम्मान मिलेगा और प्रभाव में लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में दान पुण्य के कामों में रुचि रहेगी। धार्मिक कार्य रुचि बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी। प्रेम प्रसंग दफ्तर जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक संग किसी यात्रा पर निकल सकते हैं। विशेष कार्य पूर्ण होंगे। दुर्गा माता की रहकर पूजा अर्चना करें। मित्रों, आज का दिन किसी सौगात से कम नहीं। सबसे पहले तो इस राशि में सूर्य और बुध एक साथ मौजूद होंगे। यह योग आपको धनवान बनाएगा और पैसों की कमी दूर होगी। बिजनेस में लाभ मिलेगा। कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे। नौकरी में प्रमोशन रहेगा और नए कार्य प्रारंभ करने की संभावना होगी और आप उत्पन्न रहेंगे। पुराने रोग दूर होंगे। निवेश बीमा शेयर मार्केट में लाभ मिलेगा, लेकिन सतर्क रहते हुए कार्य करें। अविवाहित के विवाह बात बन सकती है और आप इस दिन लग्जरी लाइफ पर भी खर्च करेंगे। शुक्र ग्रह वैभव संबंध प्रति सौंदर्य निराश पशु तत्व इसके कारण प्रगति करेंगे। कारण में तुला राशि वाले जीवन अनुवांशिक परिवर्तन होगा और आते जाते जीवन में चक्र ऊपर नीचे चलते रहेंगे। स्वास्थ्य तराजू की बात ऊपर नीचे हुआ और तुला राशि आज खर्च के योग बनेंगे और फालतू कहीं न जाए। स्वास्थ्य संबंधित कोई पीड़ा हो सकती है और आज का दिन सगे संबंधित मित्रों से मिलने का योग रहेगा। मित्रों, यही था आज की राशि का राशिफल। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल पर सिलेक्ट कर लें ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।